राजू ठेहट मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। रात भर झुंझुनू के इस मंदिर में छुपे थे आरोपी। हत्या से पकड़े जाने तक की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आरोपियों ने हत्या के बाद ताराचंद कड़वासरा से उसकी अल्टो कार छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कार की चाबी नहीं दी तो गोली मार दी। आरोपियों ने हत्या की घटना के तुरंत बाद अपने मोबाइल फोन तोड़ दिए। इसके बाद अल्टो से वो नला के बालाजी से पिपराली तक गए। यहाँ पर इन्हें पहले से क्रेटा कार लेकर खड़ा विक्रम गुर्जर उर्फ विक्रम बामरडा मिल गया। इन्होंने अल्टो वहीं छोड़ दी और क्रेटा से आगे निकल गए। आगे पुलिस की नाकाबंदी मिलने पर गाड़ी धानियों व गांव के रास्ते में डाल दी। आरोपी झुन्नू की ओर चले गए। बबई में आरोपियों को खेतड़ी थाना पुलिस ने रोका तो पुलिस पर 3 फायर करके वहां से कार लेकर भाग गए। पुलिस के लगातार पीछा करने के बाद आरोपियों ने कार को डाबला नदी में उतार दिया। नदी में गाड़ी का चेंबर टूटने के बाद वे गाड़ी को वहीं छोड़कर भागने लगे। इसके बाद विक्रम व मनीष नीमका थाना की तरफ भागे तथा नाबालिग सहित तीनों शूटर गुढ़ागोड़ जी की तरफ भागे। तीनों आरोपियों ने 3 दिसंबर की शाम झुंझुनू के पोक गांव की पहाड़ी पर 7 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित प्राचीन मंदिर में शरण ले ली। मंदिर के पुजारी भुजपाल दास ने बताया कि कल शाम को ही 3 युवक आए और उन्होंने बताया कि वे किसी शादी में आए हैं। मंदिर की भव्यता देख के वे यहाँ आ गए। बाद में उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और कहा कि अब तो अंधेरा हो गया है और पहाड़ी में जंगली जानवर भी रहते हैं, इसलिए वे सुबह चले जाएंगे। रात को उन्होंने मंदिर में बनी रसोई में रखे सामान से खाना बनाया और खाया। इसके बाद वो सो गए। यही नहीं, तीनों युवकों ने बातों ही बातों में मंदिर के पुजारी को ये भी बताया कि वे राजगढ़ के रहने वाले हैं। सुबह उनके 2 साथी और आएंगे जिसके बाद वे चले जाएंगे। सुबह जब पुजारी उठा तो तीनों युवक पहले से ही उठे हुए थे। उन्होंने चाय बना रखी थी। इसके बाद तीनों युवक पहाड़ी को देखने के लिए निकल गए, लेकिन वापस नहीं आए। पुजारी को किसी प्रकार का कोई शक ना हो, इसलिए पूरी रात तीनों युवकों ने किसी प्रकार की कोई बात नहीं की और खाना खाया सो गए। पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर इतने दुर्गम रास्तों पर है जहां पैदल भी पहुंचना मुश्किल है। जब रिपोर्टर की टीम यहां तक पहुंची तो सामने आया कि सुबह जब बदमाश घूमने के बहाने निकले थे तभी उनको वहां काम करने के लिए आने वाले कुछ मजदूरों ने देख लिया था। पुलिस भी सादा वर्दी में पूछताछ कर रही थी कि हमारे 3 साथी कहीं खो गए हैं, वो इधर पहाड़ियों में आए थे, किसी ने उन्हें देखा हो तो बताइए। इस बात पर मजदूरों ने कहा कि हमने उन तीनों को मंदिर की तरफ जाते देखा है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। यहीं पर पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई और पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। तीनों बदमाश शनिवार शाम को ही 5 और 5:30 बजे के करीब मंदिर में पहुंच गए थे। जब तक बदमाश मंदिर में थे सुरक्षित थे। सुबह जो ही मंदिर से निकले पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। जब रिपोर्टर्स की टीम इस मंदिर तक पहुंची तो रास्ते में उन्हें केवल एक बदमाश के नीले कलर की जैकेट मिली। जगह जगह खून के निशान भी मिले। माना जा रहा है यही वो स्थान है जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने भी अपनी आधिकारिक जानकारी में बताया कि बदमाशों ने सीकर के पुलिस निरीक्षक पर गोली चलाई, लेकिन पुलिस निरीक्षक बाल बाल बच गए। सुबह बाकी के 2 बदमाश भी मंदिर में पहुंचने वाले थे। मंदिर पुजारी ने बातों ही बातों में बताया कि इन तीनों युवकों ने बताया कि वे चूरू जिले के राजगढ़ के रहने वाले हैं और पहाड़ी के नीचे गांव में शादी में आए हैं। इस भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए सुबह उनके 2 और दोस्त आएंगे, लेकिन तीनों बदमाशों के दोस्त पहले ही डाबला गाँव में पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। पुलिस के खोप ने बदमाशों को थकने भी नहीं दिया। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है उसमें पथरीला रास्ता है जहां पर वाहन आना तो दूर पैदल भी चलकर पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन पुलिस की सक्रियता और सतर्कता से बदमाश इतने खौफ में थे कि वे पैदल पैदल पहले तो गांव तक पहुंचे और डर के मारे पहाड़ी पर चढ़ गए। करीब 7 किलोमीटर की चढ़ाई भी उन्होंने मिनटों में खत्म कर ली बिना कोई थकान। रास्ते में उन्होंने मनगढ़ंत कहानी भी बनाई ताकि वो पुजारी को सुनाकर मंदिर में रात भर रुक सकें। बाद में पुलिस से हुई मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। आरोपियों को पकड़कर जिला अस्पताल लाया गया जहां उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया।